नमस्कार अभी मैं श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिगा रामसरा गामा और गांव की मुख्य वार्ड है थे देख सको गांव का युवा बुजुर्ग है बड़ी संख्या में शाम को टाइम है और अपा चुनावी चर्चा कर चाहिए अभी आगामी चुनाव में श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति विशेष को आपकी बार जोर रह सके गांव में के समय साढ़े चार साल हो गया वर्तमान विधायक ने बंगा कार्यकाल किया रहे हो और साढ़े चार साल में किसी पार्टी का नेता बीच समस्या सुनना ज्यादा आया हालांकि अब चुनावी साल है तो अब तो बहुत सारा नेता आ लेकिन साढ़े चार साल में किसा ज्यादा आया राम राम जी के नाम है नाम श्रवणदास है श्रवणदास जी के लगे अब की बार श्री डूंगरगढ़ की बात करा तो किसी पार्टी को अब की बार जोर रह सके आगामी चुनाव में बीजेपी को ही लगे बीजेपी को बीजेपी में कौन लगा तारा चंद जी सार या कोई और तो बीजेपी है नए की बात कर तो राम गोपाल जी, सुता रहे, तोड़ा राम जी जा आम या तो में तो कार्यकाल क्या हो साढ़े चार साल को ठीक है के नाम क्या है कुंदन दास है कुंदन दास जी के लगा की बार किस पार्टी को जोर रहे में प्लस पॉइंट लागे बहुत बढ़िया साढ़े चार साल को काम काज क्या रहे हो जोर हो

अब ठीक मारो के अब तो देख लियो अच्छो राजस्थान की जनता जी की परिवर्तन कर सी रूपाराम सुतार है रूपाराम जी के, के अलग आपकी बार डूंगरगढ़ में परिवर्तन देख न मिल सके या कॉमरेड साहब रिपीट हुई नहीं जरूर करीब जरूर परिवर्तन है और अच्छा साढ़े चार साल में कांग्रेस की कुशासन सरकार रही किसान विरोधी सरकार रही और विवाह सरकार रही और मातृशक्ति विरोधी रही तो हंड्रेड परसेंट परिवर्तन है और स्टेट गवर्नमेंट अपने राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान है बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रही है एक सौ साठ सीटों के ऊपर डूंगरगढ़ की बात करें तो क्या लगा डूंगरगढ़ की भी कहानी तो डूंगरगढ़ भी बीजेपी है बीजेपी में ताराचंद जी आवे तो भारी रहे या कोई नहीं आवे तो कोई भी आवे कोई भी आवा चाहे ताराचंद जी आवा चाहे कोई भी आवए बीजेपी कैंडिडेट आएगा और बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तो हनुमान बनीवाल भी राजस्थान में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे तो क्या लगा उनको समीकरण सके देखो अंगो भी समीकरण हनुमान बेनीवाल जी को भी बहुत बड़ो है माना लेकिन आपने डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम है कॉमरेड साहब को कार्यकाल क्या रहे साढ़े चार साल को कॉमरेड साहब को के कार्यकाल रहे हो अंग तो ठीक है काम कार्यकाल कराए भी कुछ भी हुआ भी आंगी सरकार ने ही तो नाकाम ही रहे गाँव में कोई इसी मुख्य समस्या जिसका को समाधान नेता चुनाव में करे लेकिन अब तक पूरा कौन करो गाँव में तो समस्या देखो के पेयजल की समस्या बहुत बड़ी भारी है और अब गाँव के कोई भी नेतो के करने के पानी को नहीं कणे की के तो आ एक समस्या भविष्य में भी है बार भी है क्या नाम है जयसाराम जयसाराम जी क्या लगा आपके बार डूंगरगढ़ में परिवर्तन हो सके या कॉमरेड साहब रिपीट हुई परिवर्तन शायद ही कॉमरेड साहब भी रिपीट हो

मन ठा गो गिरधर जी मैं ओ कारी काल किया रे का मी को पेटड किया रो मारे आ राम राम गुलाब दास गुलाब दास जी के लगे आपकी बार राजनीति की बात करा तो कोई परिवर्तन हिग गड़ाई गो नहीं कॉमरेड साहब हाँ? साहब क्या लगे था बहुत बढ़िया जोर को लगे तारा तंजी सारस्वत मंगलाराम को दारा सरुण जी क्या लगे आपकी बार डूंगरगढ़ में परिवर्तन हो सके या सेम ही गिरधर जी

इया एक भी ए तड़का जंगी दर्ज की लड़ाई कोनी आराम हो आपको जो को। तो करयो अबे दो पार्टी है देखो हम किशन के सारे सब भारी कौन रे तो टीकी बीजेपी तो में बीजेपी में कौन ताराचंद जी आवे तो या कोई नयो कोई आवे मैं तो नेता बात करने कम जावा भाईड़ा मन के करो भाई अब थे साडी अबण आवे जने कहया कि कठु का तो का किसनराम जी आई पांचार का कॉमरेड आई डंगरी तहसीलदार दो ही आई वो पक्को जीत जी ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨਰਾਮ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੇ ਬੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਡਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨਰਾਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਥਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਨਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਗਿਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮ ਟਕਰਸੀ ਹਾਂਗੀ ਦੋਗੀ ਟੱਕਰ ਬੰਗਲਾ ਤਗੜਾ ਇੰਹ ਰੇ ਜੀ ਸੇ ਔਰ ਬੀਜਪੀ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇ ਸਾਪਾਬਾ ਦੀ ਇੰਹ ਫੇਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਵੀ ਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਆਵੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਆਟੇ ਬੇਕਾਰ ਬੀਜਪੀ ਮੇਂ ਮਾਰ ਤੋੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਕਰੀ ਹੈ ਰਾਮ ਕਪਾਲ ਜੀ ਸੁਤਾਰੇ ਤੋੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆ ਬੇ ਗਿਆ ਵੇ ਗੀਸ

अवगत करवा, करवा दिया एक पाँच बार गेड़ा मैसा गेड़ा ऐसे वोट दिया नाम शरवण कुमार शर्मा है कमाओ गाँव में फिर भी कमाओ तो किस जगह रहे मैं सूरत रहे हूँ सूरत में सूरत का गाँव और राजस्थान का गाँव में कहीं अंतर लगा जो मजबूर और लाचार में जीतो फर्क हुआ भी तो फर्क है कई लागे की परिस्थितियाँ का जिम्मेदार कौन है फिर स्थानीय राजनीति है या फिर स्थानीय राजनीति है बार थे आठ गांव में हो तो लोगों में चर्चा तो करो हो भाई आठ डेवलप क्या हो सके किस तरह का जनप्रतिनिधि आप चुना बात चर्चा तो बारह रहो तो था कम से कम लोग आग चर्चा तो करो यो थे चर्चा तो मैं इलेक्शन के टाइम में आऊँ ही कौन लगभग तो यार मैं तो बैठ ही रहा ज़्यादातर सूरत में ही रह गुजरात बठवा इतने साल बीजेपी चल रही है और प्रजा है जो कि फरी रहे को बटे सब आप आपके काम में लगे नहीं रहे सुबह सात तो बजे निकल जाओ घरों कोई छः बजे घर आवे और कोई नौ बजे निकल जाओ रात दस बजे आवे आप आप काम में सब बिजी रह गए फिर क्या लगा लोगों को चर्चा सुनो माहौल क्या लगा था ना अठक लोगों का माहौल के सामने क्या लगा अलग अलग एरिया वाइज माहौल बने गाँव वाइज माहौल बने कोई ज्यादा बीजेपी ने पसंद करे लेकिन बीजेपी में कोई नेता पसंद कौन नहीं कोई कांग्रेस ने पसंद करे लेकिन कोई कांग्रेस नेता पसंद कौन नहीं मोटी डूंग में अब की बार लागे परिवर्तन उसी

इन हेडलाइन में रिपोर्ट कर लिया थे और काम काम रहे है शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा सब में वो एक नंबर का काम करवा है नहीं बहुत सारे करुआ है तो बहुत सारे रुकेड़ा भी है कोई दिक्कत कौन कुल मिलाकर साढ़े चार साल में थारे साहब कार निकाल गया एकदम शांति प्रिये कोई लड़ाई दंगा मान लो चाहे कोई एक बिजली विभाग में जो कमीशन को रिपा कौन हो रही थी लड़ाई दंगा कौन रहे कोई की सीट को भरी भी दो दो तीन तीन साल बिना बिल चलने लाग रहे ना हो है अरमान जी के लगे आपके बार डूंगरगढ़ की बात करें तो आगामी चुनाव में डूंगरगढ़ में कांग्रेस बीजेपी आर एल या किसी पार्टी को जोर रह सके कांग्रेस ही कांग्रेस में कौन लगे मंगलाराम गोदारा या कोई नया चेर तो माँ माँ थोड़ा बीच लगे हैं

और जनता ने सुमल है और करे जिन भरत तो हुई सी और गांव में कोई मुख्य समस्या जका नेता है जका चुनाव में वादा करे जर अब तक पूरा कोनी इसी को समस्या है गांव में अट माले में अट सा समझे ही पड़ी है मोटा मोटी <laughs> सही समझे <सम्षी> है।, <laughs> है कोई को आवे नहीं एक रुपए वादा कर जाए मोटी मोटी अर पच पच वार अट कोई बोले कोनी के भाई के ये समस्या बार मोटा मोटी समस्या ई गांव में एक पानी को निकले नहीं गांव बार कटे का लोग बस है, है। कार्यकाल क्या लगे था ना, चार साल को जगदीश प्रसाद जगदीश जी युवा आपके राजनीति में चाहिए जरूर मिलना चाहिए सके सका सामने युवा के क्षेत्र के लिए तो विवेक मात्र है लेकिन पार्टी थोड़ी कमजोर है कमजोर की हनुमान जी बनवाल बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं जहाँ डूंगरगढ़ में लोनकसर कोलाइट में डूंगरगढ़ तहसील के लिए कांग्रेस है

साठ वर्ष हुआ निकलने आप शो बड़ी समस्या है पुल, तो, लोग निकली नहीं। तो नहीं स्थानीय विधायक ने स्थानीय नेता विधायक स्थानीय नेता और काम तो अवै लेकिन कर दिया तो थे देख सको अबार में श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीगा रामसरा गांव और गांव की कई चौपालों पर मैं चर्चा करी युवा बुजुर्गों विचार जाने थे देख सको सब आपका खुल विचार रखा गाँव की समस्या बताई थाने गाँव का लोगों का विचार क्या लगाया माने जरूर बताया साथ ही मारो लगातार वही प्रयास है कि श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाना को मैं पूरा प्रयास करा गांव की समस्या जाना और लोगों लोगों का जगह राजनीतिक विचार है बेथारा लोगों तक पहुंचावा धन्यवाद